विनोद जी, मुद्दा यह था कि क्या वाकई राम मंदिर की नींव रख दी गई है। अमित शाह जी ने अपने भाषण में बोला कि लोग हमसे पूछते थे तारीख बताई जाए, तारीख बताई जाए, भाई अब तो नींव भी रख दी गई। तो क्या ये शोर 2022 के विधानसभा चुनाव में सुनाई देगा और क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्योंकि अब सब पार्टियां राम की बात कर, भगवान राम की बात कर रही हैं। दीपक जी, पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जल समाधि की चर्चा हो रही थी, मैं भी उसमें एक लाइन जोड़ दूं कि जल समाधि की परंपरा हिंदू समाज में एक सीमित परंपरा है। साधु महात्माओं को जल समाधि दी जाती है, या वो स्वयं लेते हैं, या 12 साल से नीचे बच्चे जिनका एकोपवित नहीं होता उनकी जल समाधि होती है, बाकी लोगों का दाह संस्कार होता है। तो ये सिलेक्टिव नहीं है, ये इसके नियम है हर चीज के दाह संस्कार के, और यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो दुधमुंह बच्चे होते हैं उनको गाड़ा भी जाता है, लेकिन ये सिलेक्टिव है, सबका नहीं है। तो ये इसको भ्रम में नहीं पालना चाहिए। और भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी, उसका अलग कारण है, आध्यात्मिक कारण है। वो तो प्रकट हो गए थे, उसके बाद वैकुंठ धाम चले गए थे, भगवान श्री कृष्ण को बहली ने तीर मारा था, तो तीर थोड़ी मरवाएंगे लोग अपने आप में। तो ये इसलिए जो है ये एक इस पर न जाया जाए, और उसको स्वीकार करना चाहिए कि जो कमियां रही है स्वीकार करिए। दूसरी बात यह है, जैसे भी हमारे मित्र संगीत रागी ने तमाम तमिलनाडु महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, तो जब चुनाव वहां होंगे तो वहां भी मुद्दे उठेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए इसलिए उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में चर्चा होती है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो आप गुजरात की चर्चा थोड़ी करेंगे, जब गुजरात में चुनाव होगा तो गुजरात की चर्चा होगी। अब आपने जो प्रश्न किया राम मंदिर का, देखिए राम मंदिर को लेकर के एक स्टैंड क्या था, एक स्टैंड ये था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, मैं तो आडवाणी जी की पहली रथ यात्रा के समय से कवर कर रहा हूं उसको, स्टैंड ये था कि या तो सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे, या संसद कानून बनाए, या आपसी सहमति से हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है इसलिए लोग स्वीकार कर रहे हैं। आप संसद ने, इसका क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्रेडिट ये है कि उन्होंने सुनवाई के दौरान जो है कि भाई सुनवाई जल्दी हो, पक्ष को ढंग से रखा, और उसको जो है उनके वकीलों ने उसमें बहस अच्छी की, लेकिन कुल मिला के राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। या तो भाजपा कहते हैं हमने सुप्रीम कोर्ट से करवाया है, तब वो तो नहीं कह, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इसलिए वो विवाद रहित हो गया मामला, ठीक है।